पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर डोंडियाल की पत्नी निकिता कौल शनिवार को सेना में शामिल हो गई। My journey have just started. The last 11 months, the last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. The day I stepped in, I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always and always going to be part of my life, and even today he's somewhere around. Looking at me, I can feel that he's just holding me and saying, you just did it. I just love you, Vibhu. I really love you. सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने उनके कंधों पर स्टार लगाया। सेना की ओर से कहा गया कि पुलवामा में प्राण निछावर करने वाले मेजर विभूति शंकर ढुंडियाल को मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि देते हुए आज उनकी पत्नी निकिता कौल ने सेना की वर्दी पहन ली। कश्मीर की रहने वाली लेफ्टिनेंट कौल की शादी के महज 9 महीने बाद ही उनके पति मेजर डोंडियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पुलवामा में 18 फरवरी 2019 को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मेजर डोंडियाल समेत सुरक्षा बल के 5 जवानों की जान गई थी। पति से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर कौल ने सेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन पास करने के बाद पिछले साल ट्रेनिंग शुरू की थी। शनिवार को निकिता के सेना में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की।